देखो हम सब पढ़ाई यार स्टार्ट कर रहे हैं संधि बच्चों। सवाल उठता है तो पूछता है कि संधि हम लोग क्यों पढ़ते हैं, संधि की जरूरत क्या है। शब्द निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं, शब्द के जो निर्माण होते हैं उनके कई आधार हैं। जैसे शब्द का जो निर्माण होता है उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं संधि, फिर हम लोग पढ़ते हैं समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये चार मुख्य हैं। यदि हम भाषा पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो उसमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। धनवान होने के लिए हमें धन की जरूरत होती है, विद्वान होने के लिए हमें विद्या की जरूरत होती है। कहा गया कि क्षणशः कंसश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। एक एक रुपये को यदि हम जमा करते हैं तो हम धनवान होते हैं, धनी होते हैं, एक रुपये का वैल्यू करते हैं। उसी तरह से यदि एक एक विद्या का संग्रह करते हैं, एक एक शब्द को सीखते हैं, तो सीखते 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 हम विद्वान होते हैं। इसमें संधि जो है आपके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है, समास आप लोग पढ़ चुके हैं और आज का विषय वस्तु है संधि। संधि क्या होता है, संधि किससे कहते हैं, सबसे पहले लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि संधि क्या होता है, संधि किसे कहते हैं। प्रश्न है संधि किसे कहते हैं। उत्तर है दो वर्णों की मेल से, उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ध्यान दीजिए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जब आप सब वर्णमाला वर्ण पढ़ रहे थे, वर्ण विचार पढ़ रहे थे, उस दरमियान पढ़ाया गया था, बताया गया था और आप लोगों ने सीखा था कि वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि जब भी होगी तो इसमें क्या होता है कि दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होना चाहिए। यदि विकार उत्पन्न हुआ तो समझना चाहिए कि संधि हुई, और यदि विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो इसका मतलब संधि नहीं। जैसे चार और पांच को जोड़ते हैं तो नौ होता है ना, तीन और पांच को जोड़ते हैं तो आठ होता है, दस और पांच को जोड़ते हैं तो पंद्रह होता है। उसी तरह से इसमें भी दो वर्णों को जोड़ करके कौन से वर्ण बनते हैं और किस तरह से एक नए शब्द का निर्माण होता है, तमाम बातें हम लोग इस पाठ में, इस चैप्टर में सीखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कैसे कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे विद्या जोड़ आलय, सबसे आसान है आपके लिए विद्या जोड़ आलय बराबर हो गया विद्यालय।
जोर आगत, टू जोर आगत बराबर हो गया आपका स्वागत। जोर आगे बराबर सुभाग है। नीह अजोर धन क्या हो जाएगा? बच्चों देखिए इसमें क्या क्या हुआ है। विद्या जोर आलय बराबर विद्यालय, सू जोर आगत बराबर स्वागत, शिव जोर आलय बराबर शिवालय, और निह जोर धन निह। इसमें कैसे संधि हुई? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है एग्जाम में, जो सबसे पहले प्रश्न आता है कि विद्या जोर आलय लिख दिया गया है, और आपसे सवाल आता है, पूछा जाता है कि विद्यालय में कौन सी संधि हुई है, विद्यालय में कौन सी संधि हुई है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी संधि हुई है? पहले तो हम लोग ये अभी तत्काल ये जान लिए कि विद्या में आलय को जोड़ने से विद्यालय हुआ। कैसे हुआ? तो ये जो प्लस का चिन्ह है, जोर का जो चिन्ह है, इसके पहले यो में आकार लगा हुआ है विद्या, अजोर आलय, जोर के पहले पहला जो शब्द है वह है विद्या, और जोर का जो ये चिन्ह है इसके बाद का जो शब्द है वह है आलय। विद्या का भी अर्थ होता है, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और आलय का अर्थ क्या होता है? घर। विद्या का घर यानी ऐसा घर जहाँ आकर बैठकर हम विद्या अध्ययन करते हैं, विद्या सीखते हैं। नहीं, इसमें हुआ क्या है कि विद्या में पहले आ है, यो में आ का है, यानी आ अजोर, इधर भी आ ही है, आले में भी आ है, दोनों को मिलाकर हो गया आ, आ जोर आ बराबर आ। दूसरा में देखते हैं स्वागत में क्या है, तो स्व में हरस्त उ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कभी कभी छोटा उ बोल देते हैं, नहीं तो वह भी सही है। तो स्वागत में स्व में हरस्त उ की मात्रा है, गांव भर के लोग उसे छोटा उ की मात्रा कहते हैं, तो इसका जो शुद्ध नाम है वह है हरस्त उ। तो स्व में हरस्त उ की मात्रा है, और जोर के चिन्ह के बाद आ है, यानी उ के साथ आ की संधि हुई है, हरस्व उ छोटा उ के साथ आ की संधि हुई है। तो क्या हुआ है वहाँ पर, दोनों को मिला करके क्या हो गया, नियम है ये, हम लोग बाद में अभी हम लोग आते ही किए हैं कि उ का व हलंत होता है, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उ के बाद छोटा उ हो या दीर्घ उ हो, हरस्व उ दीर्घ उ के बाद यदि इनसे कोई भिन्न स्वर आए, हरस्व उ दीर्घ उ के बाद यदि इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो हरस्व उ दीर्घ उ का व हलंक हो जाता है, व हलंक। आ ये जो आ है ये आ का आ ही रहेगा, दोनों मिलकर हो जाएगा वा, उ जोर आ बराबर व हलंक जोर आ बराबर हो गया हुआ। बच्चों को समझने में यही दिक्कत होती है कि स्वागत कैसे हो गया, सवाल उठता है यहाँ पर सु है तो सु जोर आगत बराबर स्वागत होना चाहिए, स्वागत कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, तो ये समझने में थोड़ी परेशानी होती है। तो वो भी परेशानी आपको नहीं होगी, क्यों नहीं होगी परेशानी, इसलिए नहीं होगी कि हम जो तो वहाँ तक तो नहीं पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में ही आपको समझा देते हैं कि विद्या हुआ क्या है कि सु में उ आया है हरस्व की मात्रा, और हरस्व उ के बाद आ आया है, तो नियम है ये कि हरस्व उ दीर्घ उ के बाद यदि इससे कोई भिन्न स्वर आए तो उ का वह हलंत हो जाता है, ये नियम है। इसमें नियम है ई उ री, हरस्व दीर्घ के बाद यदि इससे कोई भिन्न स्वर आए तो हरस्व दीर्घ का यह हलंत हो जाएगा,
हरस उ दीर्घ उ के बाद इससे कोई भिन्न स्वर आए तो उ का वह लंत हो जाता है, और री के बाद यदि इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो री का रह लंत हो जाता है। हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे, फिर भी स्टार्टिंग में ही इतना बतला दिए, फिर बाद में उसको फिर से बतलाया जाएगा। हुआ क्या है कि जब स्व में से उ को हटा दिया गया तो स्व तो पूरा नहीं रहा ना। ऊ में हम लोग ऊ लिखते हैं तो जब ऊ की मात्रा जोड़े उसके बाद में सु हुआ। यदि सु में से ऊ को हटा देते हैं, हर्ष ऊ को हटा देते हैं, तो ये बचता है आधा स्व, जिसको स्व हलंत कहते हैं। तो स्व हलंत जोड़ हुआ और जोड़ ग जोड़ त बराबर स्वागत हुआ। नहीं यही बात हुई है, उसी तरह से शिव जोड़ालय बराबर शिवालय हुआ। नहीं उसी तरह से निह जोड़ धन बराबर निर्धन हुआ। इसमें सवाल ये उठता है कि इसमें कैसे पता करेंगे कौन सी संधि है। प्रश्न उठता है कि विद्यालय में कौन सी संधि है, स्वागत में कौन सी संधि है, शिवालय में कौन सी संधि है, और निर्धन में कौन सी संधि है। सवाल ये उठता है, जब हम विद्यालय की बात करते हैं तो पता चलता है कि विद्यालय में विद्या जो आलय है, जोर के पहले आ स्वर है कि व्यंजन है, आ स्वर, आ स्वर। अच्छा जोर के पहले उ क्या है, स्वर है, स्वर है। संधि तीन प्रकार की होती है, वो रोट कर लेते हैं, उसके बाद समझने में और मदद मिलेगी। ठीक है, संधि तीन प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि। और तीसरा क्या है, विसर्ग। पहले हम लोग केवल ये पढ़ रहे हैं, अभी जानकारी हासिल कर रहे हैं कि विद्यालय में कौन सी संधि है, स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, इसे हम लोग सीखते हैं, अभी जानने का प्रयास करते हैं। बाद में फिर क्या करेंगे हम सब कि इसे मिटाकर यह जानने का प्रयास करेंगे, स्वर संधि के बारे में विस्तार से जानेंगे, फिर व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से जानेंगे, और फिर विसर्ग संधि के बारे में ही विस्तार से सीखेंगे या जानेंगे। अभी हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यालय में कौन सी संधि हुई है। तो समझ में आ रहा है कि जोर के पहले आ है, जोर के बाद भी आ है, यानी आ भी स्वर है और इधर भी स्वर है। यदि दोनों तरफ स्वर हो, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है। तो विकार का मतलब, विकार मतलब रूप में परिवर्तन आना, विकार का मतलब हुआ रूप में परिवर्तन आना, बदल जाना। विकार का मतलब बदल जाना, यहाँ पर बदल गया है, यहाँ पर यह आकार था, यहाँ पर आ है, नहीं इधर भी आ था, इधर भी आ था, तो दोनों आ को मिलाकर एक आ हो गया, ये विकार हो गया। यहाँ पर क्या है कि हरस उ है, इसके बाद इधर आ है, दोनों को मिला करके वाह हो गया, तो विकार हो गया, रूपचंद हो गया, रूप बदल गया। तो हम लोग संधि में यही सीखते हैं कि कैसे रूप बदलते हैं, जिस तरह से बदलते हैं। बच्चों के मन में सवाल रहता है, पूछना चाहते हैं कि सर कैसे हो गया, लेकिन इसे बताने वाले जल्दी नहीं मिलते, कोई नहीं समझाते हैं। तो इसे हम लोग अभी सीखेंगे, आप लोगों को जहाँ से जो थोड़ा भी यदि संदेह उत्पन्न हो, किसी तरह का कुछ भी पूछना हो तो पूछिएगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं समझूंगा कि हाँ आप सब कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। आप लोग यदि कुछ नहीं पूछेंगे तो लगेगा कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ,
ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे, तो जब स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों का मेल होगा तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। यानी जोर के पहले भी स्वर वर्ण होना चाहिए और जोर के बाद भी स्वर वर्ण होना चाहिए। यदि पहले और बाद दोनों तरफ स्वर वर्ण मिलते हैं और उनमें संधि होती है तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर स्वर संधि हुई है। आसान है समझना, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। डेफिनेशन यदि लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए स्वर संधि, ठीक है। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को पूरा लिख लेंगे, डॉट 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 जैसे करके छोड़ दें, आपको लिख ले पूरा, लिख दो स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि ठीक है। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि क्या होता है, तो विसर्ग के साथ विसर्ग के स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं, जैसे सुजोर आगत है, इसमें भी सवाल उठता है कि कौन से सी संधि हुई है। कोई पूछेंगे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए, स्वागत में कौन सी संधि है, तो क्या बोलेंगे, स्वर संधि। कैसे, तो इसमें दोनों तरफ स्वर है, जोर के पहले भी स्वर है, जोर के बाद भी स्वर है, इससे पता चलता है कि स्वागत में स्वर संधि हुई है। सत जोर चित, अब देखते हैं हम लोग शिवालय में, शिवालय में भी शिव जोरालय है, इसमें भी क्या हुआ है कि शिव में क्या है, अ मिला हुआ है, जोर के पहले शिव में व में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, और आलय में भी आ है, यानी इधर भी अ है इधर भी आ है। कौन सी संधि हुई, स्वर संधि हुई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, सत जोर चित,
सचित, इसमें कौन सी संधि हुई है? व्यंजक संधि हुई। कैसे पता चला? तो हलंत है। व्यंजन संधि का व्यंजन का नियम है, व्यंजन वर्ग का नियम होता है कि उनमें निश्चित रूप से हलंत लगे हुए होते हैं, ये नियम होता है। दो और एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे सत जोड़ मार्ग बराबर सन्मार्ग। सत जोड़ मार्ग बराबर सन्मार्ग, इसमें कौन सी संधि हुई है? व्यंजक संधि। सन्मार्ग में कौन सी संधि हुई है? व्यंजक संधि। व्यंजक संधि। मनह जोर हर, मनह जोर हर क्या हुआ? मनोहर। कौन सी संधि हुई है? विसर्ग संधि। कैसे पता चला? विसर्ग लगा हुआ है। निह जोर धन निर्धन, इसमें नी के साथ क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग के बाद यदि स्वर आता है तब भी वह विसर्ग संधि ही रहेगी, और विसर्ग के बाद यदि व्यंजन आता है तब भी वह विसर्ग संधि ही रहेगी। यही ध्यान में रखना है, मुख्य रूप से यही तीन बातें ध्यान रखनी है कि स्वर के साथ स्वर वर्ण का यदि मेल होता है तो वह स्वर संधि होगी, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण का यदि मेल होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी, और विसर्ग के साथ यदि स्वर या व्यंजन का मेल हो तो वहाँ विसर्ग संधि होगी। इसी तरह से हम अपने से वित्तीय संधि बना करके परिभाषा भी बोल सकते हैं, कहीं भी बता सकते हैं, किसी को समझ सकते हैं बढ़िया से कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को तो संधि कहते हैं, विसर्ग व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। नोट करेंगे तो बताएंगे घंटा करके, तब हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। इतना यदि सीख लेते हैं तो पूरी जो संधि है वो समाप्त हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। दस मिटा देते हैं, पूरा बिठा दें। जी सर, हो गया। हो गया इसे। अब हम लोग आते हैं बच्चों संधि के प्रकार में, सबसे पहला जो मुख्य है स्वर संधि। सबसे अधिक जरूरत स्वर संधि की ही होती है। बच्चों को हम लोग जो सिखाते हैं सिलेबस जो होता है वह ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड 7-8 तक स्वर संधि ही बतलाया जाता है बच्चों को। व्यंजन और विसर्ग भी होता है लेकिन उसके बारे में कम जानकारी दी जाती है। व्यंजन की जरूरत पड़ती है 9 में जाकर के, और विसर्ग की जरूरत पड़ती है विस्तृत 10 में जाकर के, और जब 10+2 में हम लोग इंटरमीडिएट में जाते हैं या ग्रेजुएशन में जाते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनमें स्वर व्यंजन और विसर्ग सब की जरूरत होती है। ये जो स्वर संधि है, किसे स्वर संधि कहते हैं अभी आप लोगों को बतलाया, किसी के ध्यान में है तो बतला दीजिए एक बार, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्णों के मेल, यानी किसी भी स्वर के साथ किसी भी स्वर का यदि मेल होता है और उनमें विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग ये जानते हैं, स्वर संधि के बारे में हम लोग जानते हैं, ये जो स्वर संधि होती है इसके 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के
पांच प्रकार होते हैं। स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं, कौन कौन से? दीर्घ संधि, बहुत अच्छा, गुण संधि, वृद्धि संधि, यम संधि, अयाद संधि। यही पांच प्रकार होते हैं। ये पांच यदि हम पढ़ लेते हैं, इसे यदि समझ लेते हैं बढ़िया से, तो स्वर संधि कंप्लीट। इन्हीं पांचों को समझ लोग दीर्घ संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए लम से ध्वन कौंडी में बतलाया गया है, अतः सवर्णे दीर्घ, लम से ध्वन में पढ़े थे, अतः सवर्णे दीर्घ। इसका मतलब क्या होता है? यदि और री के बाद स्ववर्ण स्वर आए, तो दोनों के मेल से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। यानी तो ये जो री जो है, री इसकी जरूरत सिर्फ संस्कृत में के शब्दों में होती है, हिंदी में इसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये जो री है, दिल री, हम लोग अभी क्या लिखे हैं कि ओ आ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ और री के बाद सवर्ण स्वर आए, तो दोनों के मेल से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। तो ओ आ का दीर्घ स्वर आ हो गया, ह्रस्व दीर्घ में दीर्घ स्वर दीर्घ ई हो गया, और हरसु दीर्घ का दीर्घ स्वर उ हो गया। और री वाला जो होता है, ये संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत हिंदी व्याकरण में नहीं होती है। दीर्घ री है, री रे, री रे, इसकी जरूरत हिंदी व्याकरण में नहीं होती है, ठीक है। हिंदी व्याकरण में अ आ, हरसु दीर्घ और हरसु दीर्घ की ही जरूरत होती है। इसका नियम है कि इसमें से अ या आ
जोर और या आ बराबर आ दिया हुआ है, इसको ये समझना है कि जोर के पहले और या आ में कोई भी हो और जोर के बाद भी और या आ में कोई भी हो तो दोनों के मेल से एक दीर्घ स्वर आ हो जाएगा। कैसे? जैसे हम लोग अभी एक एग्जांपल दिए थे, एक एग्जांपल देते हैं सबसे पहले से परम 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 अजोर अर्थ क्या होगा? परम अजोर अर्थ क्या होगा? परमार्थ होगा। क्यों होगा? इसलिए कि परम में अ है और यहाँ पर जोर के बाद अर्थ में स्टार्टिंग में ओ है, ओ से शुरू हो रहा है सब, ठीक है। तो ओ और ओ के मिलने से क्या हुआ? आ हुआ। यहाँ पर यही नियम लागू हो रहा है, ओ जोर ओ बराबर आ। इसी फॉर्मूला के तहत, इसी नियम के तहत परम जोर अर्थ बराबर परमार्थ हो गया, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अभी हम लोग विद्या जोड़ आ ले लिए थे एग्जांपल, लिए थे ना, उसमें उसकी एग्जांपल देना दोबारा जरूरी नहीं है। दूसरा सब लोग बोलते हैं शिव जोड़ाले में भी शिवालय बता दिए, शिवालय में क्या था? अ के साथ आ था। शिवालय में क्या था? अ के साथ आ का मेल हुआ। अब हम लोग लेते एग्जाम्पल लेते हैं नदी, नौ दो दीर्घी का नदी जोर ईस बराबर नदीस। इसमें क्या हुआ है? नदी में दीर्घ ई की मात्रा है नहीं, यानी इसमें दीर्घ ई और जोर के बाद ईस में भी दीर्घ ई है, यानी दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई का मेल हो रहा है और दोनों के मेल से दीर्घ ई हो रहा है। दीर्घ ई जोर दीर्घ ई बराबर ये हो गया एग्जांपल, इसको समझना भी है और समझते हैं। जैसे हरि हर हर फरस की का हरि जोर ईस बराबर हरीस। हरि में रो में कौन सी